गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 मैथ्स चैप्टर 13। तो आज हम आगे देखेंगे पेज नंबर 184। अपनी टेक्स्ट बुक में निकालो पेज नंबर 184। अब देखो आगे, मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। तो यहाँ एक स्टोरी है, उसका प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। तो ईच लाइन गिव्स अ स्टोरी। यू हैव अ चूज द क्वेश्चन व्हिच मेक्स द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। द फर्स्ट वन इज द ऑलरेडी मार्क्ड, एक मार्क किया हुआ है। किस तरह से वो देख लेते हैं। अ शॉपकीपर हैज अ 50 बॉक्सेस। देयर आर 48 फ्रूट्स इन अ वन बॉक्स। एक बॉक्स में कितना है, 48। क्या कर रहे, टोटल 50 बॉक्स है। और एक बॉक्स में कितने फ्रूट्स डालता है, 48। तो टेक द क्वेश्चन, वन क्वेश्चन विच मैच विथ गिवन प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, क्या क्वेश्चन होगा उसका, वो हमें नीचे ऑप्शन दिए है उसमें से ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है, देखो, हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल। सभी पैसे को शॉपकीपर देगा, तो वैसा तो कुछ है नहीं हमें। तो क्या होगा, हाउ मच फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल फ्रूट्स कितने होंगे, तो वो आएगा। या हाउ मेनी मोर बॉक्सेस विल बी नीडेड, तो हमें जो मोर बॉक्सेस, वन बॉक्सेस तो हमें दे दिए हैं, हमें किया है कहा है कि वन बॉक्स में 48 फ्रूट है, एक बॉक्स में क्या है, 48 फ्रूट्स है। तो हमें पता लगाना है कि टोटल बॉक्सेस में कितने फ्रूट हो गए। तो सेकंड नंबर का जो है, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने फ्रूट्स है, तो वो वाला क्वेश्चन राइट होगा। तो यहाँ दे दिया है, उसी तरह हमें नीचे वाले सॉल्व करने हैं। तो देखो दूसरा देखते हैं, 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल। एक स्कूल में कितने चिल्ड्रन है, 352। वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप में जाते हैं। ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन, तो ग्रुप बनाया है 4 चिल्ड्रन का। कितने चिल्ड्रन का ग्रुप, टोटल कितने गए हैं, 352 चिल्ड्रन गए, उसमें 4-4 चिल्ड्रन का ग्रुप बनाया है। तो हमें तीन ऑप्शन दिए, देखो पहला वाला, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव, तो वो तो एक टेंट में कितने बच्चे होंगे, तो वो तो नहीं आएगा। हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीडेड, तो हमें कहा है कि टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, कितने टेंट लेने पड़ेंगे। एक ग्रुप में कितने थे, 4। एक टेंट में कितने बच्चे रखेंगे, 4। ऐसे कितने टेंट लेंगे, वैसा दूसरा काम है। थर्ड में देखो, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर इन द स्कूल, तो टोटल स्कूल में कितने चिल्ड्रन है, वो तो आएगा ही नहीं। सेकंड नंबर का देखो, उसके लगता है कि हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीडेड, तो टेंट पे, एक टेंट पे 4 चिल्ड्रन आते हैं, तो टोटल हमारे पास 352 चिल्ड्रन है। तो हमारे पास टेंट ढूंढने हैं, कितने टेंट लेने पड़ेंगे, तो वो वाला सेकंड नंबर का है, हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीडेड। तो सेकंड नंबर का क्या होगा, राइट होगा। फिर आगे देखो, थर्ड नंबर, अ शॉपकीपर हैज अ 204 मैंगोज। ही पुट्स देम इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर रखता है। ईच बॉक्स हैज अ 12 मैंगो, तो समझो एक बॉक्स में 12 मैंगो आती है, और टोटल मैंगो दे दी है 204 मैंगो। 204 मैंगो दे है। अब हमें क्वेश्चन ढूंढना है, तो क्या सही होगा, हाउ मेनी मोर मैंगोज विल बी नीडेड, तो वो वाला आएगा, कितनी मैंगो है टोटल, तो वो तो हमें दे दिए, यानी वो तो नहीं आएगा। हाउ मेनी डजन मैंगो डज ही सेल, तो कितने डजन, तो डजन में तो ढूंढी है नहीं हमें, तो वो भी नहीं आएगा। हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीडेड, तो कितने बॉक्स हो गए, ये मैंगो रखेगा तो कितने बॉक्स हो गए, तो वो सही है, क्योंकि एक बॉक्स में 12 मैंगो रखनी है, तो ये सभी रखेगा वन बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में, तो टोटल कितने बॉक्सेस हो गए, वो हमें पता नहीं है, तो वो क्वेश्चन सही होगा, यानी थर्ड नंबर सी वाला क्वेश्चन क्या होगा, राइट आएगा, यानी हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीडेड। फिर आगे देखो, द कॉस्ट ऑफ अ वन बुक इज 47 रुपीज, एक बुक की कॉस्ट क्या है, 47 रुपीज।
सोनू बाय हर 23 बुक्स, कितनी बुक्स खरीदती है? 23 बुक्स। तो आप सोचेंगे तो भी पता चलेगा कि 23 बुक्स की प्राइस कितनी होगी। एक बुक्स की 47, तो 23 बुक्स की कितनी होगी? तो हाउ मेनी बुक्स प्राइस ऑफ, ये वो वाला क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं। तो हाउ मच मनी डस सी हैव, तो क्या होगा, कितने पैसे है एक बुक के? तो हाउ मच मनी डस सी पे फॉर द बुक, तो कितने पैसे वो दुकानदार को देगी? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 47 बुक, तो 47 जो पैसे है उसमें से कितनी बुक आएगी, वैसा भी पूछा है। तो वो क्या होगा, एक बुक का 47 जो होगी, उसने 23 खरीदी है तो दुकानदार को वो कितने पैसे देगी? तो वो वाला आंसर सही आएगा, यानी हाउ मच मनी डस दी पे फॉर द बुक्स, तो सभी बुक्स के वो कितने पैसे देगी, यानी बी वाला जो है वो आंसर सही आएगा। अब आगे देखो, क्रॉस चेक फॉर द हरिशरण है, उसको सॉल्व करना है, चेक करना है। तो हरिशरण वांटेड टू डिवाइड 2456 अमाउंट्स इज अ फोर्सर, बराबर समझना। वो क्या करता है, 2456 अमाउंट है फोर सन को देता है। कि आस्क्ड ही एलेट सन टू विल टेल हिम हाउ मच मनी ईच वन विल गेट, तो टोटल उसके पास कितने हैं और फोर सन को देनी है, फोर जो बच्चे हैं उसके उसको देनी है, इतनी अमाउंट है वो फोर सन को देनी है। तो एक के भाग में कितना आएगा पैसा, एक बच्चे के भाग में कितना पैसा आएगा? तो यहाँ पे को चेक करना है, पापा ईच ऑफ अस विल गेट 2406 डिवाइड बाय 4 और आंसर आया है 600। क्या किया, डिवाइड किया उसके पापा ने, तो आंसर क्या आया, 624 आया। एक बच्चे को कितना देंगे, 624, बराबर समझना। आगे व्हेन द हरिशरण स्टार्टेड गिविंग द 624 टू ईच सन, एक एक बच्चे को देने लगा, ही वाज लेफ्ट विद लेस मनी फॉर द यंगेस्ट वन, तो जो छोटा था उसको देने के लिए कम पैसे बचे। सभी को देते देते आया, एक को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, इतने फिर जो लास्ट में आया फोर्थ नंबर का, उसको देने के लिए क्या हुआ, लेस मनी, थोड़े ही पैसे बचे। क्या हुआ, थोड़े ही पैसे बचे, जो देने थे उसमें से कितने बचे, थोड़े ही। चौथे वाले को भी इतने देने पड़ेंगे ना, तो उतने पैसे बचे नहीं उसके पास। अब देखो क्या हुआ, इट सीम यू हैव मेड सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, लेट मी चेक, उसको क्या हुआ, मिस्टेक हुई है, जो पैसे दिए थे वो देने में क्या हुई है, मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन जो गिना है उसने, वो कैलकुलेशन में क्या है, गलती है, जो उसने डिवाइड करके आंसर निकाला था उसमें क्या है, मिस्टेक है। तो क्या किया, हरिशरण मल्टीप्लाई द 624 624 विद 4 किया। अब देखो 624 इंटू 4 करते हैं, तो 4 4 16 1 ऊपर 4 2 8 9 6 4 24, तो कितना आंसर आता है, तो इसके पास तो 5 था, यहाँ तो 9 आया, तो जो ये उसने जो ये गलती की है, ये आंसर आया है वो क्या है, रॉन्ग, क्या है, रॉन्ग। उसके पास इतने पैसे होने चाहिए, पहले तो इतने, और यहाँ पे उसने क्या किया है, मिस्टेक की है, डिवीजन करने में क्या किया है, मिस्टेक की है। तो दिस तो यू हैव डन द डिवीजन रॉन्ग, जो डिवीजन किया था वो क्या है, रॉन्ग।
तो वो फिर से डिवीजन करता है, देखो 2456 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 6 24, 005 नीचे उतारा, 4 1 4 1, 6 नीचे आया, 4 4 16, तो क्या आंसर आया 614, क्या आंसर आया 614, तो सभी को कितने देने पड़ेंगे 614 पैसे देगा, तो सभी को सेम पैसे मिलेंगे। एक रॉन्ग था, जो आंसर ढूंढा यानी रॉन्ग था, यानी क्या करेंगे, बिफोर टेलिंग हिज फादर ही चेक्ड, फिर से चेक किया, तो 600 ये जो आंसर आया उसको 4 से क्या किया मल्टीप्लाई, तो 6 6 4 1 4 4 5 6 4 24, तो राइट आंसर आया इसके जैसा, तो ये वाला आंसर क्या होगा राइट होगा, यानी आपको चेक करना है जब डिवीजन करो तो आंसर चेक करने के लिए क्या करना है, जो ऊपर आंसर आया और जिससे हमें डिवाइड किया है और जो रिमेंबर बचता है तो नहीं बचता है, तो तीनों का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, रिमेंबर नहीं बचता है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो और रिमेंबर बचता है तो तीनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। इस तरह से चेक करोगे तो हमारी जो रकम है उतनी आनी चाहिए, तो भी आपका आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा, तो ही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। जब डिवीजन करते हो तो चेक करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आगे देखो, प्रैक्टिस टाइम दिया है उसी प्रकार जैसे मैंने समझाया, वैसे सम दिए हैं पीछे पेज नंबर 86 में, तो दो तीन में समझाती हूँ, वो आपको गिनने हैं किस तरह से, बाकी के आपको करते हैं, तो किस तरह से करते हैं देखो, हम गिनते हैं प्रैक्टिस टाइम, तो पहले वाला सम हम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट नंबर 438 डिवाइड बाय 9 बराबर, तो डिवीजन करते हैं 9 से, तो 9 फोर्जा करना पड़ेगा, 9 4 36, बात करो नहीं जाएगा तो बोरो लो, 30 में से 6 जाए तो 709, तो 9 8 72 होगा, 02 में से 9 में से 2 जाए तो 7 बराबर। अब क्या करना है हमें आंसर चेक करना है, आंसर क्या है 48, हमें इतना आंसर हमारी जो रकम है टोटल उतना तीनों का, ये जो टोटल रकम होती है तीनों का मल्टीप्लाई करें, तो मैंने अभी समझाया था कि तीनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, 43 × 9 × 7, रिमेंबर बचता नहीं है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, रिमेंबर बचता है तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों का करते हैं तो 48 × 9 पहले करते हैं, 40 × 9 करते हैं तो 9 8 72 7, 9 4 36, 36 में 7 ऐड करो, 37 38 39 40 41 42 43, तो क्या आया 43, और 4 ये आया उसमें क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको प्लस करना है, क्या करना है बराबर समझो, रिमेंबर है वो क्या करेंगे प्लस करेंगे, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, और रिमेंबर है वो क्या होगा प्लस होगा, तो 432 में 7 प्लस करते हैं, 7 क्या करेंगे प्लस करेंगे, 7 क्या करेंगे प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ
पड़ेगा, तो यहाँ सिक्स आएगा, सिक्स रिमेंबर आया, तो रिमेंबर क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। मेरी मिस्टेक हुई है रकम लिखने में, यहाँ 438 था तो मैंने यहाँ एक किया और क्या बचा रिमेंबर सिक्स, तो सिक्स यानी रिमेंबर जो आता है वो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और जो रिमेंबर बचता है उसको प्लस करना है। तो हम प्लस करेंगे रिमेंबर को, तो सिक्स प्लस टू एट थ्री फोर यानी 438 आंसर आ गया। 438 आंसर जो हमारी रकम थी उतना आ गया, बराबर। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड नंबर का देखो, उसमें देखो मैं कौन सा कर रही हूँ, ई वाला करती हूँ। आपको बाकी सब करते हैं तो देखो 678 डिवाइड बाय 6 वाला मैं कर रही हूँ, पहले डिवीजन करेंगे 6 से, तो 6 वन का 6 0 7 6 वन का 6 1 आया 8 3 80। तो देखो रिमाइंडर नहीं है, नीचे कुछ भी बचता नहीं है, तो खाली ये दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन, जो बचता है तो उसको ऐड करना है, प्लस करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें ये ऐड करना है। तो देखो 130 इंटू 6 करना है, 130 इंटू 6 करो, 6 3 18 1 6 1 7 6 1 6 तो आ गया 678, तो इसके जैसा आ गया ना, यस। तो ये आपका क्या होगा, आंसर राइट होगा। उसी तरह तीसरा करते हैं, तो थर्ड नंबर का देखो कौन सा करेंगे, सी वाला करते हैं, 50 डिवाइड बाय 7 457, तो क्या करोगे, 7 6 42 0 3 0 अब क्या आएगा, 7 4 28 10 में से 8 जाए तो 2 0, तो क्या बचा 2। तो अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसमें ये ऐड करो, 64 into 7 प्लस 2, तो 64 plus 7 करो, 7 4 28 2 एक नीचे 2 पर 7 का 42 में 2 ऐड करो, 43 44, तो 448 प्लस 2 करो, 8 plus 2 0 1 5 4, तो आ गया 415। तो इसी तरह आपको जो बाकी के सम है वो सॉल्व करने हैं। अब नीचे वाला देखो, सॉल्व द गिवन सम्स एंड कलर द आंसर राइट गिवन बिलो सी वेयर यू फाइंड। तो आपको क्या करना है, नीचे में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आता है नीचे वाले बॉक्स में कोई भी कलर से फिलअप कर देना है। क्या करोगे, 50 into 7 करोगे यानी 105 होगा, तो जो आंसर है वो ढूंढना है इसमें और उसमें कलर फिलअप कर देना है। तो इसी तरह यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। जो जो मैंने सम सभी वीडियो में सिखाए वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिख लेने हैं, और वर्कबुक के जो सम है उसकी मैं PDF आपको भिजवाऊंगी, वो आपको इसी तरह के है सम सभी, जो जो मैंने टेक्स्ट बुक में सिखाए वैसे ही सम वर्कबुक में है, वो आपको खुद करने हैं और उसकी PDF में भिजवाऊंगी, वो आपको देख लेना है। थैंक यू।